नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट का यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आ जाएगा एंड ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये 5 टॉपिक है फर्स्ट यूनिट्स में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम है क्या? फाइनेंशियल सिस्टम में भी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन टू फैसिलेट द एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड रिस्क। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक सेट है किसका? मार्केट्स का और इंस्टीट्यूशन का, जो हेल्प कर, जो फैसिलेट करता है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एंड रिस्क को। फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते, फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाते, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते और फाइनेंशियल सर्विस आ जाती है। अब फाइनेंशियल सिस्टम अगर मतलब पेपर में आ जाता है कि फाइनेंशियल सिस्टम को डिफाइन करो, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ए फाइनेंशियल सिस्टम इज ए सिस्टम दैट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन द लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स एंड बोरोअर्स। फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक सिस्टम है जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ फंड्स को एक्सचेंज करने में, किसके बीच में? लेंडर्स के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में और बोरोअर्स के बीच में। फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। फाइनेंशियल सिस्टम कहाँ पर ऑपरेट करता है? ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। मनी क्रेडिट और फाइनेंस आर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब मनी क्रेडिट और फाइनेंस को क्या किया जाता है? एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। दे सर्व एज ए मीडियम ऑफ नॉन वैल्यू फॉर विच अ गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सचेंज एज ए अल्टरनेटिव टू बार्टरिंग। मनी क्रेडिट और फाइनेंस को किसके लिए यूज़ किया जाता है? नॉन वैल्यू के लिए, ताकि हम क्या कहते हैं, अपने गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ऑफ बार्टरिंग है ये। उसके इट इंक्लूड्स बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। अगर पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो आप पहले ये लिख देंगे, उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे, उसके बाद इतना सा मीनिंग लिख देंगे। अब फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसके मतलब क्या क्या फंक्शंस है? तो पहली फंक्शन है इसकी सेविंग फंक्शंस करता है, दूसरी लिक्विडिटी फंक्शंस, तीसरी पेमेंट फंक्शंस, चौथी ट्रांसफ़र फंक्शंस, दूसरी इंफॉर्मेशन फंक्शंस एंड दूसरी उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन, रिफॉर्मेटरी फंक्शन, अदर फंक्शंस। पहली फंक्शन क्या है? सेविंग फंक्शन। An important function of financial system is to mobilize saving and channelize them into productive activities. ये क्या करता है? जो हमारी जो saving होती है उसको mobilize करता है और उसको channelize करता है productive activities, मतलब उसको productive activities में use करने में help करता है। It is through the financial system saving are transformed into investment. मतलब जो हमारी saving होती है financial system के through ही हम उसको transform करते किस में? Investment में। दूसरी फंक्शन है इसकी लिक्विडिटी फंक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज टू प्रोवाइड मनी और मॉनेटरी एसेट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या मतलब? जो हमारी मनी और मॉनेटरी एसेट्स प्रोवाइड करता है किसके लिए? ये गुड्स एंड सर्विसेज में। मॉनेटरी एसेट्स क्या होते हैं? मॉनेटरी एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश विदाउट द लॉस ऑफ वैल्यू। मतलब जिन एसेट्स को हम इजली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी एसेट्स। तीसरी फंक्शन ये क्या प्ले करता है? पेमेंट फंक्शन ऑफर ए वेरी कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू हम इजली मतलब अपने गुड्स और सर्विस की पेमेंट कर सकते हैं। जैसे चेक सिस्टम, इसमें चेक सिस्टम आ जाता है, चेक सिस्टम के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड सिस्टम के थ्रू पेमेंट करते हैं। ये कुछ मतलब इजीएस्ट मेथड है इसके मतलब पेमेंट करने के लिए। तो ये क्या है? इसकी पेमेंट फंक्शन में ये आ जाएगा। उसके बाद चौथी फंक्शन है इसके मतलब रिस्क फंक्शंस। रिस्क को कंट्रोल करने में भी फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है।
Financial system offers a very convenient mode of payment of goods and services. मतलब एक convenient mode करता, convenient mode payment करने में help करता है. Financial system provide protection against किससे ये protection help करता है, against a risk. जैसे इसमें क्या कहते हैं, health risk आ जाती है, income risk आती है, तो इन सब से क्या कहता है, financial system protect करता है. इसमें क्या कहते हैं, गारंटीज आर accomplished थ्रू द सेल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो उसके थ्रू भी हमें हेल्प करता है, हमारी रिस्क को प्रोटेक्ट करता है. इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी, इन सब का हम इंश्योरेंस करते हैं तो फाइनेंशियल सिस्टम इसमें क्या करता है, हेल्प करता है, रिस्क से हमें बचाता है. उसके बाद इंफॉर्मेशन फंक्शन, पांचवी फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन फंक्शन. अ फाइनेंशियल सिस्टम मेक्स अवेलेबल प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन. मतलब जो भी मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या प्राइस चल रहे, इसके रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है. फाइनेंशियल मार्केट्स डेसिनेट द इंफॉर्मेशन फॉर एनेबलिंग पार्टिसिपेंट टू डेवलप इन्फॉर्म्ड ओपिनियन अबाउट द इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट ऑन होल्डिंग ए पर्टिकुलर एसेट्स. मतलब इसके रिलेटेड जितने भी एसेट्स के रिलेटेड क्या कहते हैं, मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे री इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है. सिक्स फंक्शन है इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन. फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द जियोग्राफिक बाउंड्रीज. मतलब ट्रांसफ़र जो अभी हमारे क्या कहते हैं, गुड्स और सर्विस होते हैं उनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी ये हेल्प करता है. उसके अदर फंक्शंस में क्या क्या जाता है, इट असिस्ट इन द सिलेक्शन बी फाइनेंस्ड एंड आल्सो परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोजेक्ट पीरियोडिकली. इट आल्सो प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड ऑफ द इनवेटेबल फंड्स. तो ये अदर फंक्शंस में आ जाएगा. उसके बाद रिफॉर्मेटरी फंक्शंस, ए फाइनेंशियल सिस्टम अंडरटेकिंग द फंक्शंस ऑफ डेवलपिंग में हेल्प करता, इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स इंस्ट्रूमेंट सर्विस प्रैक्टिस एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड सर्विस. इन सभी चीज़ों में फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता. तो ये क्या था, ये सारी 8 पॉइंट्स जो है इसके फंक्शन से, इनको आप खुद से भी पढ़ के एक्सप्लेन कर सकते हो पेपर में. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये. अगला क्वेश्चन जो है इसके रोल्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब इसके क्या रोल्स है इकोनॉमी में, इकोनॉमी को डेवलपमेंट या इकोनॉमी में हेल्प कैसे करता है ये फाइनेंशियल सिस्टम. तो पहला पॉइंट है, इट सर्व एज ए लिंक बिटवीन द सेवर और इन्वेस्टर्स. सेवर और इन्वेस्टर्स के बीच में क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम एक लिंक है. इट हेल्प इन चैनलाइज द सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट. हमारी जो सेविंग होती है उसको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है. इट इज़ ए एसेट्स इन द सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट. ये क्या है, एक एसेट्स है. जब हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है टू सर्व टू रेवन्यू परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रोजेक्ट पीरियोडिकली. उसके बाद इसकी अगली फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड ए पेमेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पेमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने में. इट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द रिस्क, मोबालाइजिंग सेविंग एंड एलोकेशन ऑफ क्रेडिट. इन सभी चीज़ों में क्या करता है, फाइनेंशियल सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगला रोल जो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प करता है वह है, इट प्रमोट द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय ब्रिंगिंग टुगेदर सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड ऑफ इन्वेटेबल फंड्स. मतलब हमारी कैपिटल फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है. इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटर्स प्लेयर्स इन ए मार्केट सच एज इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट. ये क्या अनदर रोल है इसका फाइनेंशियल सिस्टम का. इट प्रमोट द सेविंग ऑफ द इंडिविजुअल की सेविंग को प्रमोट करता है. इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ नेशंस के ग्रोथ में हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स कंट्रैक्ट फॉर मैनेजिंग रिस्क सच एज इंश्योरेंस फ्यूचर्स एक्स्ट्रा. तो ये क्या फाइनेंशियल सिस्टम के सारे रोल्स है. अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया गया,
पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाएगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से बैंक, एक कमर्शियल बैंक्स आ जाते और कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते। कमर्शियल बैंक में कौन कौन से बैंक आएंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाते, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाते और फॉरेन बैंक्स आ जाते। उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, इसमें ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा क्योंकि जगह कम थी। और दूसरा आ जाता अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या क्या आ जाता, कॉल मनी मार्केट आ जाता, क्रेडिट्स आ जाते, ट्रेजरी बिल्स आ जाता, कॉमर्शियल बिल्स आ जाता और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आते हैं। कैपिटल मार्केट में क्या आता, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट्स आ जाते हैं। इन सभी को अगले यूनिट्स में हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा ये। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टर्म बेस, टर्म बेस में आ जाएगा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में, और टाइप्स, टाइप्स में आ जाता है इसमें प्राइमरी, प्राइमरी सिक्योरिटीज आ जाती है, सेकेंडरी सिक्योरिटीज आ जाती है और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस में क्या क्या है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फंड्स बेस्ड और सर्विस बेस्ड। फंड्स बेस्ड में आ जाएगा लीजिंग आ जाएगा, हायर परचेज आ जाएगा, फैक्टोरिंग आ जाएगा, और सर्विस बेस्ड में आ गया मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग और मर्जर्स। तो ये क्या स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये सभी आपको याद करना पड़ेगा, याद करके इसको आप पेपर में बना सकते हो और इसको चार पांच मतलब 10 लाइन में एक्सप्लेन करके अगर आया क्वेश्चन तो अच्छे नंबर ले सकते हो आप यहाँ से। लास्ट टॉपिक क्या है फर्स्ट यूनिट का, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस टू फैसिलेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, कम्बिनेशन है किसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, फाइनेंशियल मार्केट्स का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एंड फाइनेंशियल सर्विस का, जो फैसिलेट कर क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड पेमेंट मैकेनिज्म फॉर द फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकें। इट इज़ ए लिंक बिटवीन द सेवर और इन्वेस्टर। ये क्या है, लिंक है किसके बीच में, सेवर और इन्वेस्टर के बीच में। अब डायग्राम के थ्रू ही मैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू समझाऊँगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें सबसे पहले क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि ये मतलब गवर्नमेंट एजेंसी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर आता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद पीएफआरडीए, पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आ जाता है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सबसे पहले आरबीआई, आरबीआई मतलब कौन, सबसे पहले जो आरबीआई आता है ये रेगुलेट करता है, इसके अंदर जितने भी बैंक्स आते, जितने मतलब बैंक्स हैं इंडिया में उनको कौन रेगुलेट करता, आरबीआई में पहला आता है कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स में आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और रूरल रीजनल बैंक्स। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स में आ जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको कौन रेगुलेट करता, आरबीआई। इसमें आ जाएगा आईडीएफसी, आईएफसीआई, नबार्ड, एनएचबी, सिडबी, ये सारे किस में आ जाते, कौन रेगुलेट करता है इनको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद आ जाता है एनबीएफसी,
एनबीएफसी होता है नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन सभी इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करता, आरबीआई। उसके बाद आ जाता सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या काम है, जितने भी मतलब म्यूचुअल फंड्स हैं उनको रेगुलेट करना, म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करना, अदर कैपिटल मार्केट्स, ब्रोकरेज, स्टॉक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जितने भी स्टॉक्स के रिलेटेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, मार्केट्स, मतलब जितने भी उनको कौन रेगुलेट करता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इंडिया में इन सबको कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके बाद IRDA, IRDA क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी इंश्योरेंस के रिलेटेड सारी कंपनी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इनको कौन रेगुलेट करता है, IRDA। उसके बाद पेंशन के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको कौन रेगुलेट करता है, PFRDA। उसके बाद लास्ट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कंज्यूमर्स के जितने भी अफेयर्स होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, इसको कहते हैं FMC। इसमें दो चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है, कमोडिटी एक्सचेंज और कमोडिटी ब्रोकर्स। तो ये क्या था, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स। ये डायग्राम बना के आप इसको पेपर में एक्सप्लेन कर सकते, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको सेकंड यूनिट के बारे में बताऊंगा, सेकंड यूनिट में क्या क्या टॉपिक है और उनकी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।